18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते? और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। देखो कौन है, कृष्णा। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है? हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर has never been an integral part of India and this is a historical fact. अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी का शब्दनाद से। आजादी, 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जेक्टली लाइक जनगणमन ऑफ इंडिया। जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? एंड वी विल नेवर अलाउ कश्मीर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी।